सर गुड इवनिंग सर, हम मेरा नाम प्रवीण है। हम प्रवीण विहारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से काशी के अंदर जितने भी मंदिर और महल का दर्शन करवा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे भरत माता मंदिर के सामने हमने देखा था बहुत सारे अच्छे अच्छे पेंटिंग है जो आपके छात्रों ने बनवाया था। तो आपका शुभ नाम और आपका परिचय इसकी इवेंट के बारे में बता दीजिएगा। मैं डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा इस विभाग का प्रभारी हूँ जी। और अभी इसके अंडर में विभाग चलता है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो हमारा यूनिवर्सिटी है जी, उसका 100 ईयर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, 100 वर्ष पूरा हुआ है। अच्छा, और ये भारत माता मंदिर उसी का एक हिस्सा है। अच्छा, यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा। अच्छा, राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने ही उसका निर्माण कराया। अच्छा, तो इस 100 साल में हमने पूरे इस प्रांगण को सजाया है हमारे यहाँ की फाइन आर्ट के विद्यार्थियों ने जी, और अपने कलाकृतियों से पूरे प्रांगण को सजाया है जी। और ये 5 दिनों का हम लोगों ने कला मेला लगाया है जी, जी। जिसमें बच्चों ने समाज से कला को जोड़ने का एक प्रयास किया है जी, क्योंकि कलाकृति स्टूडियो में रह करके जी, जन्म लेके स्टूडियो में पल के समाप्त हो जाती है जी। तो समाज में उसको कैसे प्रसारित किया जाए, समाज के लोगों को कला के प्रति कैसे प्रेरित किया जाए जी, उनका प्रशंसा लिया जाए जी, जी। उसके लिए हमारे विद्यार्थियों ने प्रयास किया है। अच्छा, तो ये कला मेला 5 दिनों तक चलेगा। हमने देखा है सर वहाँ पे तरह तरह की पेंटिंग, जैसे एक्रिलिक हो, मधुबनी पेंटिंग्स जैसे हमारी ट्रेडिशनल पेंटिंग है, तो हर एक क्ले पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग हर एक तरह का अच्छा तरह से बना दिया बच्चों ने, तो उन्हीं के बारे में 2 शब्द आपके द्वारा सुनना चाहते हैं जी, तो। जी। हमारे ललित कला विभाग में जी जी ये पेंटिंग, अप्लाइड मूर्ति कला, ये सारे विषय पढ़ाए जाते हैं, फैशन डिजाइनिंग भी पढ़ाया जाता है जी जी। तो ये सभी बच्चे इन सारे विधाओं को पढ़ते हैं और लोक कला तो हमारे विषय के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। अच्छा जी, तो जिस भी मीडियम में बच्चे बनाए हैं वो इस विभाग से पढ़ते हैं, रोज अभ्यास करते हैं। अच्छा, उन्हीं कलाकृतियों को समाज उपयोगी बना करके समाज में प्रदर्शित करने का काम किया है हमारे विद्यार्थी। अब हमने देखा सर पेंटिंग्स की मतलब ये लग रहा है कि छोटे छोटे बच्चे ही, मगर पेंटिंग्स तो अच्छा तरीके से बनाए, जैसे घाट का हो, बनारस की घाट हो, जैसे भी कोई भी मूर्ति हो, जैसे महादेव की मूर्ति हो, अच्छी तरह से बनाए था ताकि ऐसा ना लगे ये तो छोटे छोटे छात्र है, मतलब ऐसा प्रोफेशनल तरीके से बनवा दिया। तो ये श्रेय तो आपको ही जाता है, जैसे आपने प्रोफेसर होंगे जो कला आपने दिया था छात्रों को वो अच्छी तरह बनाए, तो हम आशा करते हैं आने वाले दिन में आपके छात्र का आपका नाम उद्धरण करें और विश्वविद्यालय के नाम भी उद्धरण करें जी। हमारे चैनल के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद इंटरव्यू देने के लिए। नमस्कार सर, थैंक यू।